हेलो फ्रेंड, आज हम आपको दरवाजे की बेल बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये झूमर वाले पाइप लिए हैं, ये पत्तियां ली हैं और ये जो हमारे जूस वाले पाइप होते हैं वो लिए हैं, वो वाले पाइप है ये हमारे। तो सबसे पहले हम समोसा बनाएंगे। एक पाइप को लेकर इस तरीके से बिल्कुल सीधा कट करेंगे इसको। ये हमें एक तरफ से काटना है, पूरा नहीं काटना है। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा खुल के। उसके बाद में इसको हमें यहाँ से करीब आधा इंच फोल्ड करना है और फिर इसे फिर से हम एक बार और करेंगे फोल्ड। दो बार हमने ये आधा आधा इंच फोल्ड कर लिया और इसको ऐसे पकड़ के इसके आधे कॉर्नर को उठाना है, पूरे को नहीं। ये देखिए इस तरीके से, और फिर से इसे फोल्ड कर देंगे और फिर ये जो आधा कॉर्नर है इसको उठाएंगे, फिर से इसको फोल्ड करेंगे और ये जो हमारे इसकी शेप बन जाएगी इस तरीके से, उस आधे कोने को उठाते हुए चलेंगे। इसी तरीके से फोल्ड करना है ये हमें। ये देखिए, इसे इस कॉर्नर से इस पे लगा देंगे और फिर इसे इसके ऊपर ऐसे करके इसे, तब ये हमारा बाद में इसे ऐसे, और जो हमारी ये बचा हुआ है इसको इसके अंदर डाल देंगे। और किसी पेन वगैरह से या सुई से इसे पूरी तरह से अंदर कर देंगे। ये देखिए, ये इसको पूरे को ऐसे अंदर डाल के और इसके एक कॉर्नर को पकड़ के इस तरीके से खोलेंगे हम। ये देखिए, इसकी शेप बिल्कुल समोसे जैसी हो गई है और जो हमारी एक्स्ट्रा पन्नी निकली हुई है इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, एक बार फिर से बताते हैं हम। एक और बना के ऐसे पाइप लेंगे और इसे एक साइड से कट करेंगे। इसे ऐसे सीधा एक तरफ से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने फिर से पूरे को कट कर लिया है। फिर से इसे ऐसे करके आधा फोल्ड करना है, आधे इंच के लगभग, और फिर से दोबारा दो बार इसे ऐसे फोल्ड करके फिर इसके एक कॉर्नर को उठा के इससे मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसे फिर से ऐसे ही फोल्ड करेंगे आधा इंच और फिर इस कॉर्नर को इससे मिलाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से करना है जैसे हमने आपको पहले बताया है, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक उठा के इसे ऐसे। और ये जो बची हुई है थोड़ी सी, इसे इसके अंदर डालना है। ये देखिए, और इसे ऐसे ऐसे दबाने से ये बिल्कुल समोसे जैसी शेप आ जाती है इसकी, और एक्स्ट्रा पन्नी को कट कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमने ये कलरफुल बना के तैयार किए हैं। आप कोई भी कलर का बना सकती हैं। उसके बाद में हम सुई में धागा डालेंगे। ये देखिए, सुई में धागा डालने से पहले एक पत्ती को इसके अंदर डालेंगे हम धागे के। और उसके बाद हम इसके अंदर सुई को डालेंगे। ये देखिए, दोनों धागों के सिरे में हमने इसको डाल दिया है सुई को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समोसा लेंगे और उसके बीच कॉर्नर से इसे सुई को पार निकालेंगे।
और फिर हम दूसरे कलर का लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने दो डाले हैं, और जो हमारे ये पाइप है जूस वाले, इसको हम बीच बीच से आधा कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल बीच बीच से, और एक पाइप डालेंगे आधा, और फिर से हमें दो समोसे डालने हैं इसके अंदर। और सुई को इसके अंदर से ऐसे बाहर निकालना है। ये देखिए ये हमने इस तरीके से बनाया है। उसके बाद में हमने अपने दरवाजे के हिसाब से ये लैस ली है, आप कोई पट्टी वगैरह भी बना सकती हैं या किसी भी कलर की कोई लैस ले सकती हैं। हम इसका बिल्कुल बीचा बीच सेंटर निकालेंगे, हमने फोल्ड कर लिया दो लेयर में, और इसके बीचा बीच में इसको यहाँ से लेंगे। ये इसका बिल्कुल बीच सेंटर है, और इसे यहाँ से अच्छे से नॉट्स लगा देंगे। सबसे पहले हम इसे बीच से शुरू करते हैं बनाना, और इसे ऐसे ही यहाँ पर पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमने एक पाइप और दो दो समोसे लगाए हैं इस तरीके से, बिल्कुल बीच सेंटर है। अब इसका हम दूसरा बनाएंगे, फिर से हमने धागा लिया और उसमें एक पत्ती डालेंगे। और इस दोनों सिरों को पकड़ के सुई के अंदर डाल लेंगे। अब ये देखिए सुई में धागा डाल लिया है हमने, और उसके बाद हम इसमें एक समोसा लगाएंगे। उसके बाद एक पाइप डालेंगे, और फिर एक समोसा डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से लगाए हैं। उसके बाद हम इसमें एक और पाइप डालेंगे, और फिर से इसके ऊपर हम दो समोसे डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको हम इससे करीब 1 इंच हटा के इसमें अटैच कर देंगे। इसको इसी तरीके से बनाते हुए चलना है हमें। ये देखिए जैसे हमने इसे बनाया है उसी शेप में हम इससे बड़ा इस तरफ और उससे बड़ा ऐसे करते हुए इसको पूरे में लगा के तैयार करेंगे। ये देखिए अभी हमने आधा बना के तैयार कर लिया है, ये आधा हिस्सा है हमारा। इधर को फिर से हमें लगाने हैं ऐसे ही, तो सबसे पहले एक छोटा लगाया है बीच सेंटर में, उसके बाद उससे बड़ा ऐसे करते हुए हमें ये शेप दी है इसकी, ऐसे ही हम इधर से लगा के तैयार करेंगे। ये देखिए इसमें बीच में हमने एक डाला है। इसी तरीके से सबसे पहले हम ये धागे को पत्ती के अंदर डालेंगे, फिर से बताए देते हैं आपको, और उसके बाद इसे सुई के अंदर डालेंगे। ये देखिए ये हमने आधा पाइप लिया था, उसके हिसाब से ये हमने दो टुक कर लिए हैं पाइप के, और सबसे पहले हम ये दो समोसे डालेंगे इसके अंदर। फिर एक पाइप डालेंगे, और फिर से दो समोसे डालेंगे हम।
और फिर से एक पाइप, और दो समोसे डाल लेंगे। और फिर ये देखिए जितनी दूरी पर हमने इसको लगाया है इतनी ही दूरी पर हम इसको लगाएंगे यहां से, और इसे यहां से ऐसे अच्छे से पक्का कर देंगे। ये देखिए फिर से हम इस धागे को पत्ती के अंदर डालेंगे और इसे सुई के अंदर डालेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें पाइप को तोड़ना है। इसमें दो पाइप लगे हैं तो इसमें हम तीन टूक लगाएंगे, उसके बाद चार समोसे हम दो दो ही रखेंगे हर शेप में। इसी तरीके से इसे बना के तैयार करेंगे पूरे को। इसी तरीके से पूरा, ये देखिए इसी तरीके से हमने तीन पाइप तोड़कर जो बनाया है उसे भी बना लिया, और उसे भी इतनी ही दूरी पर लगाना है हमें। ऐसे सुई को निकाल के अच्छे से नॉट्स लगा के इसे पक्का कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से ये चार पाइप के टुकड़े हमने लगाए हैं, और इसे भी इतनी ही दूरी पर लगा देंगे। इसे पक्का करके नोट्स लगा देंगे। ये देखिए उसके बाद हमने पांच पाइप वाला बनाया है। इसी तरीके से फिर हम अगले को छह का, फिर सात और आठ तक, लास्ट यहाँ पर नौ का आएगा। आपका जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकती हैं। इसी तरीके से हम इसे अब पूरा बना के तैयार करेंगे। अब ये देखिए ये पूरे हमारे दरवाजे की बेल आपके सामने बनके तैयार हो चुकी है। ये किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।